brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का दौर चल रहा है। जब भी उम्मीदवारों की कोई नई लिस्ट आ रही है, उसमें कई बड़े चौंकाने वाले नाम देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की पांचवी लिस्ट में चौंकाने वाला ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी की पीलीभीत सीट की। इस सीट पर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन प्रसाद को मैदान में उतार दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वरुण गांधी अब आगे क्या करेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी उनके लिए अपने उम्मीदवार को बदलेगी? पीलीभीत सीट पर बीजेपी ने जहां जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा, तो वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी इसी सीट पर भगवत शरण गंगवार को मैदान में उतार चुकी है। क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो ऐसे में वरुण गांधी के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प बचता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी का दामन थामे और समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल दे। इसके अलावा तीसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार हटा ले और वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस उनको मैदान में उतार दे। इसके अलावा दूसरी छोटी पार्टियों में शामिल होकर या फिर निर्दलीय लड़ने का भी विकल्प बचता है। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। वरुण गांधी अगर मैदान में उतरे तो पीलीभीत सीट पर वो किसी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका इस पर अच्छा खासा जनाधार है। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी को रिकॉर्ड 7,02,755 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के जिस उम्मीदवार को वरुण गांधी ने हराया, दूसरे नंबर पर उन्हें 4,47,140 वोट मिले थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वरुण गांधी करीब 2.5 लाख वोटों को बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। इस सीट पर बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उनका नाम है जितिन प्रसाद। कभी कांग्रेसी रह चुके जितिन प्रसाद राहुल गांधी के पक्के दोस्तों में से एक रह चुके हैं। जितिन प्रसाद का नाम राहुल गांधी के दोस्तों की उस लिस्ट में शामिल हुआ करता था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट शामिल थे। इन चारों में से सिर्फ सचिन पायलट ही ऐसे हैं जो अब कांग्रेस में बचे हैं, बाकी तीनों नेता और राहुल गांधी के दोस्त कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जितिन प्रसाद फिलहाल यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले वो केंद्र की यूपीए सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। 2004 में सांसद बनने के बाद 2008 में जितिन प्रसाद को यूपीए 1 सरकार में केंद्रीय इस्पीत राज्य मंत्री बनाया गया था। 2009 से 2014 तक जितिन प्रसाद को अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले जितिन प्रसाद यूपी की शाहजहांपुर और दौरहरा सीटों से सांसद रह चुके हैं। जितिन प्रसाद को टिकट दिया जाना उनका ब्राह्मण होना भी बताया जा रहा है। ऐसा करके बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीलीभीत सीट का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी क्या फैसला लेते हैं। बाकी आपकी इस पर जो भी राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।